छोटी छोटी जगहों से, बड़ी बड़ी जगहों से, कहां से भी आए अपनी कला का नमूना पेश करने के लिए यहां पर दुनिया के सामने। लेकिन देखिए क्या क्या क्रिएटिविटी यहां पर, ये बिहार का स्टॉल है जहां पर ये सारी चीजें आपको, बिहार में भी ऐसा नहीं है, लोग सोचते हैं कि एक भाषा बोली जाती है जबकि जगह जगह की बोली अलग वहां पर होती है। यहाँ मेहमान आते हैं तो सामने ही सामने ये देख लेते हैं आप। हाँ जी बिल्कुल, उनको देख के बहुत अच्छा लगता है कि लोग यहाँ पर बना रहे हैं वही चीजें, प्रोडक्ट हम उन्हें बेच भी रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स क्या रहा है? लोगों को बहुत पसंद आती है, और सबसे ज्यादा जो पसंद आ रहे हैं वो दुपट्टे और साड़ियां हैं जिन पे आप देख सकते हैं पेंटिंग्स बनी हुई है, ये सब हैंडवर्क है। G20 के बारे में इससे पहले सुनी थी? नहीं मैम, नहीं सुनी। आप कहाँ की रहने वाली? मधुबनी के। मधुबनी से आई हैं आप और मधुबनी ही बना रही हैं? हाँ, लोग मधुबनी के। हाँ, मिथिला पेंटिंग कर रही हूँ मैं। हाँ, तो G20 कभी नहीं सुनी थी? नहीं मैम। यहाँ पर आ रही थी, बोला कि G20 में लगाएंगे स्टॉल, तो तब पता चला। हाँ। अब कितने विदेशी आए? बहुत बहुत आए। लोगों को अच्छा लग रहा है? हाँ। आपको कैसा लग रहा है? मुझे भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर G20 के डेलीगेट्स जब आते हैं, बहुत छोटी छोटी जगहों से ये सब आए हुए हैं, आपको लग रहा है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सबके लिए? बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि इतना बड़ा मंच है, नॉट ओनली फॉर देम बट फॉर द होल कंट्री, कि जो भी यहाँ पर आ सका है उनके लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ा एस्पिरेशनल एस्पेक्ट है, क्योंकि ये अपने अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने गाँवों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जैसे आप देख सकते हैं कि आठों स्टेट्स यहाँ पर एक साथ फोकस नॉर्थ ईस्ट के अंडर, दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी वन स्टेट बट द इंटायर रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो कि भारत का एक बहुत ही अहम अंग है। महिलाओं का समूह है ये, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, और उसके जरिए आप देखेंगे कि कला दिख जाएगी। आप उत्तराखंड से? जी मैं उत्तराखंड से हूँ। ये हमारे समूह द्वारा बनाई गई महिलाओं से, ये सब मन, ये भी है। डू यू लाइक इट? यस आई लाइक इट। इट इज वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हु हैव मेड दिस। ओके, इट्स वेरी नाइस, इट्स ब्यूटीफुल, आई टेक इट, इट्स हैंडमेड। यस यस, इट्स वेरी नाइस, यू हैव ब्यूटीफुल स्टफ इन इंडिया। यस, यू फ्रॉम टर्की? यस आई एम फ्रॉम टर्की। जो विदेशी मेहमान हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, उन्होंने देखा है आप लोग जो काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो आ रहे हैं, आते हैं, देखते हैं और प्रशंसा भी करते हैं, तो कहते हैं कि बोले हमने पहली बार ये ट्राइबल आर्ट इंडिया का देखा है। आपको लग रहा है कि एक अच्छा मंच मिला है आप? जी ये हम लोग आदिवासी है, हम बहुत इंटीरियर से आते, गुजरात की पहाड़ियों में से आते हैं, हमको तो मालूम ही नहीं G20 क्या होता है, तो आज हमको यहाँ आके मोदी जी के माध्यम से हमको मालूम पड़ा कि G20 मतलब के देश के लिए इतना बड़ा एक काम चल रहा है, काम करते हैं देश के लिए, भारत के लिए काम करते हैं, तो ये मंच के ऊपर आके ही हमको मतलब मिला कि ये विश्व में भी इस तरह का इवेंट होता है। नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स यहाँ पर अपना अपनी कला का नमूना पेश कर रहे हैं, डेलीगेट्स यहाँ पर आए हैं? हाँ जी, G20 के डेलीगेट्स। यस यस मैम, हाँ जी। आप लोगों को लग रहा है कि ये अच्छा मौका था आप सब के लिए? बहुत अच्छा मौका था हम लोग के लिए, सबके लिए, हम लोग का जो क्राफ्ट लेके आए हैं, जो आर्टिसंस वीवर्स जो इन्होंने बनाया है, हम लोग को दिखा पाए हैं, लोग को बहुत खुश हुआ सर। लगभग कितने देश के लोग आ गए होंगे? लगभग 8-10 तो होंगे सर। ये जी जी, अलग अलग देश, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यताएं, लेकिन उन सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब पहुंचते हैं और उनके चेहरों पर वैसी ही संतुष्टि भरा मुस्कान रहता है, तो इसे देखकर ये समझना होगा कि भारत ने मेहमान नवाजी में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं, और इसके साथ ही भारत की पूरी संस्कृति सभ्यता की झलक हर एक स्वागत के पहलू में, और उनके यहां पर दौरे के दौरान ख्याल हर एक चीज का रखा। एवं लोकसा हित मुखेति अथ इयम् नातिसु हेवम्। अष्ट धातु से बनी नटराज की ये दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति है। ये मूर्ति भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति के पहलुओं को जीवंत करती है।
दुनिया के देश जब यहाँ पहुँचे तो भारत की सदियों पुरानी कला और परंपरा का प्रमाण देखकर दंग रहे। भारत मंडपम के बाहर नटराज की मूर्ति और अंदर कोणार्क के सूर्य मंदिर की झलक, किसी अनुभवी गाइड की तरह राष्ट्रपति बाइडेन को पीएम मोदी बता रहे थे कि कौन सी आकृति का क्या महत्व है, कैसे सदियों पहले इस चक्र के जरिए समय देखा जाता था, कैसे परछाइयों के जरिए घंटे और मिनट का फर्क समझा जाता था। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। लेकिन दुनिया के तमाम बड़े नेताओं के सामने इन निशानों को दिखाने का मकसद क्या है? सिर्फ इन्हें ही क्यों चुना गया? क्या इसलिए ताकि विश्व को परिवार बताने वाला भारत ये संदेश दे रहा है कि अब वक्त हिंदुस्तान का है? कोणार्क जो है वो एक चक्र है, जो भारत में जो हमारी जो परंपरा है, हमारी संस्कृति में हम लोग जीवन की निरंतरता पे विश्वास रखते हैं। हमारे यहाँ चक्रीय सर्कुलर मोशन में हम लोग विश्वास रखते हैं। कई जगह पे लीनियर वे में सोचा जाता है, एक सीधी रेखा में जीवन चलता है। हमारे यहाँ हम लोग ये समझते हैं कि एक जीवन एक चक्र है और वो चक्र ही हमारे जीवन का उल्लास भी है, जो प्रसन्नता है भारतीयों में, जो जीवन के प्रति जो एक आशा है ये दिखाता है। तो ये हम पूरे विश्व को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि ये, क्योंकि ये देखिए विश्व के बहुत महत्वपूर्ण देशों का ये सम्मेलन है, तो उन सभी देशों को भी ये संदेश जाता है कि कैसे हमारा जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो कितना सकारात्मक, कितना उल्लासपूर्ण है, कितना ऊर्जा से भरा हुआ है। तो इस ऊर्जा को दिखाने का प्रयास है। 13वीं सदी के मध्य में कलिंग साम्राज्य के महाराजा नरसिंह देव प्रथम ने ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर बनवाया। मंदिर में 24 कोणार्क चक्र बनाए गए जो 24 पखवाड़ों का प्रतीक बने। 24 पखवाड़े मतलब एक साल, क्योंकि एक पखवाड़े में 15 दिन होते हैं और एक दिन में 8 पहर होते हैं, तो कोणार्क के सूर्य चक्र में भी 8 भाग दिखते हैं। समय की गति बताते इसी सूर्य चक्र को दिखाकर भारत ने बताया समय के बहुमूल्य होने का पाठ भारत से सीखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस स्थान पर खड़े होकर दुनिया के सभी नेताओं का अभिवादन किया, स्वागत उनका किया, उस जगह पर आपने देखा होगा कि उनके उन पीछे ये तस्वीर लगी हुई थी। उड़ीसा में कोणार्क में ये सूर्य मंदिर है जिसके साथ हम इस प्रतीक को समझते हैं, क्या इसका अर्थ है? ये समय का पूरा कैलकुलेशन, पूरा हिसाब किताब इसमें है, सूर्य चक्र में। हाँ जी, इसमें दिन में जो 12 घंटा होता है, इतना सेकंड होता है, सब उधर पता चलता है उधर। अच्छा। और सूर्य के रथ का पहिया, हाँ, सूर्य पीछे का चक्का का पहिया होता है। और जो सूर्य का, सूर्य मंदिर में जो सूर्य का पहला किरण पड़ता था उसी में मंदिर में, आज तो टूट गया है। लेकिन ये चक्का का पीछे चक्का का पहिया है उधर, उसी को सिंबल मानता है उसका। भारत मंडपम में जिस गैलरी से होते हुए दुनिया के बड़े बड़े नेता हॉल तक पहुंचे, उस गैलरी में दीवार पर बनाई गई योग मुद्राएं भी भारतीय संस्कृति से विश्व को परिचय कराती रही। भारत मंडपम के कोने कोने में स्वागत का नया दौर नजर आ रहा था, भारतीयता की छटाओं में नहाया हुआ भारत के पुरातन युग का ऐश्वर्य पूरी दुनिया देख रही थी। देवी दुर्गा की ये प्रतिमा हो, आगे गणेश जी की मूर्ति हो, या फिर पांडवकालीन इतिहास का बखान करते हुए कोई पेंटिंग, आप पूरे भारत मंडपम में जब जाएंगे तो आप ऐसी चीजें देखेंगे जिन्हें देखकर जितने भी हमारे विदेशी मेहमान हैं जो प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं, वो रुककर एक दफा देखते जरूर हैं उस इतिहास को, उस विरासत को, कि जिस गलियारे से होकर सारे वैश्विक नेता प्रधानमंत्री की तरफ जा रहे थे, जिसके आगे फिर G20 की बैठक शुरू होनी थी, वहां पर आपको योगासन की अलग अलग मुद्राएं भी नजर आती थी, और कोणार्क के सूर्य मंदिर का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह भी। दिल्ली के आसमान में खिलते हुए चंद्रमा के साथ भारत आए नेताओं का पहला दिन रात्रि भोज की ओर बढ़ चला था। रात्रि भोज में स्वागत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उस तस्वीर के सामने खड़े थे जो हमारे गौरवशाली इतिहास की कहानी कहती है।
प्रधानमंत्री मेहमानों को बता रहे थे कि नालंदा विश्वविद्यालय सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, ये विचार की स्वतंत्रता, सामूहिक शासन का प्रतिरूप था। बिहार के नालंदा के विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। इस विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जो भारत के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से आते थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 से 470 ईस्वी में की थी, लेकिन अब ये एक खंडहर बनकर रह चुका है। विश्वविद्यालय में 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से भी अधिक किताबें थीं। लेकिन बाहरी आक्रमण ने पहले इस विश्वविद्यालय को नष्ट किया, फिर किताबों में आग लगा दी। ये पीएम मोदी का अपने मेहमानों के सत्कार का तरीका था, तो मेहमान भी उनके हर अंदाज से प्रभावित हो रहे थे। कुछ को पीएम खुद पसंद थे तो कुछ को उनके पहनने का स्टाइल। खादी के स्टॉल पे हमारे विदेशी मेहमानों का जमावड़ा लगा हुआ है और खादी उत्पादों को खरीद रहे हैं। विशेष तौर पर मोदी जैकेट को लेकर विशेष आकर्षण है। अच्छा, G20 के दौरान मोदी जैकेट को लेकर विशेष आकर्षण है। दिस इज फ्रॉम असम। यस, हैव दे टोल्ड यू अबाउट दिस जैकेट? दे टोल्ड मी दैट मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, राइट, ही वोर दिस। आई हर्ड दैट, या, सो ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल। सो यू ऑलरेडी बॉट दैट? Where are you from? They gave me a gift. Oh, they gave it to you. Yeah. Yeah, I'm from Arizona, okay. USA, yeah. You're from USA. Mm-hmm. And they've told you about this jacket? No. No? Please, tell me. No, the Prime Minister wears the same. Really? What an honor. So, if I wear this and this, I can be like our Prime Minister. You've come from Ukraine? Yes. Do you know what this jacket is called? It's Modi jacket, Narendra Modi. Narendra Modi's jacket. Yeah. It's the same style. Are you planning to buy it? Yeah, I would love to. Yes, I like, yes, to be like smart and look like smart like Prime Minister Modi. He's amazing. He's a great politician. कई बार आधुनिकता की नहरें इतिहास के झरनों से भी निकला करती हैं। ये वही लम्हा था जब दुनिया के दिग्गज भारत की सांस्कृतिक जड़ों में भारत की तरक्की की तस्वीर देख रहे थे। इस सम्मेलन के दौरान हजारों साल का इतिहास भी जीवंत हो उठा था और अपने नए भविष्य के इंतजार में खड़े दुनिया के नेता भारत की सोच को सलाम कर रहे थे। घोषणा करता हूँ।